अप्रैल 2022 को सचिवालय से लाइव संगठन के भाई प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जसरापुर संयोजक रामजीत पटेल आप लोगों को स्पष्ट कर रहे हैं 27,050 सहायकों का कार्य संविदा सेवा नियमों के तहत बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। उसके लिए लगातार अधिकारियों से पिछले एक वीक से लगातार चाहे सैटरडे संडे रहा अधिकारियों के आवास पर मुलाकात का दौर हो चाहे वर्किंग डेज में सचिवालय की मुलाकात के दौर हो मंत्रियों से अधिकारियों से लगातार एक एक बिंदु पर वार्ता हुई है। बहुत सारी चीज़ों को छुपाया जा रहा है क्योंकि जो जो चीज़ें हमने पहले बताई थी शिकायतें आने लगी अधिकारियों ने बताया कि ये चीज़ें पहले से वायरल हो रही है काम सुचारू रूप से हो रहा है। इसके लिए लगातार कार्यकारिणी निर्णय कर चुकी है कि लगातार जयपुर में बनी रहेगी पूरे एक वीक से है आने वाले वीकों में भी यही रहेगी। आप लोगों का काम बहुत अच्छा हो रहा है। ये जो अनर्गल बातें व्हाट्सअप पर जो व्हाट्सअप के फ्री नेट का आनंद लेने वाले लोग हैं इनकी बातों पर आपको नहीं जाना है क्योंकि वो लोग सिर्फ घर पर बैठकर पिछले लगातार 14 सालों से यही काम कर रहे हैं कि व्हाट्सअप के फ्री नेट का जो आजकल के दौर में बड़े ज्ञानी बन रहे हैं मैसेज छोड़ रहे हैं वो सिर्फ व्हाट्सअप की धरातल व्हाट्सअप की दुनिया से कभी बाहर निकले नहीं है। इसलिए उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना। कार्यकारिणी आपको पूर्ण विश्वास दिलवा रही है आपका काम हो रहा है सभी का काम हो रहा है सभी संविदा कर्मचारियों का काम एक पैनल के तहत हो रहा है। उसके लिए संविदा सेवा नियमों में कैडर तनख्वाह विभाग सभी चीज़ों पर बिंदुवार कार्मिक विभाग में फाइनेंस में पंचायती राज में प्रारंभिक शिक्षा में सभी में बातें हुई है और लगातार अधिकारियों के टच में रहेंगे। लेकिन आपको जो अफवाहें फैलाने वाले लोग हैं उनसे बचना होगा। बहुत सारी चीज़ों को कार्यकारिणी बचा रही है छुपा रही है क्योंकि कार्यकारिणी जब पूर्व में भी चीज़ों को बताती थी वो चीज़ें एक विस्फोट की तरह पूरे प्रदेश में वायरल होती थी। जयसंघ रामजीत पटेल और प्रदेश कार्यकारिणी का अध्यक्ष महोदय कुछ बात करें। ठीक है मैं भाइयों से एक और निवेदन कर दूं कि पिछले कोरोना काल में जो अपना मानदेय का बजट था वो अलग से डाला गया था लेकिन अब की बार वो बजट अलग से नहीं डाला गया वो साथ ही डाल दिया गया है। तो ये जो मानदेय की समस्या आ रही है प्रदेश में जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष साथियों से निवेदन है कि वो उनको बताकर इस समस्या को ख़त्म करें। और ये रोज जो आप पूछते हैं कि ये होगा और उनका वो हो गया इन बातों को घबराएं नहीं। पटेल जी ने सब कुछ बता दिया है तो निश्चिंत रहें चिंता ना करें। एसएफसी के तहत ही आपका मानदेय मार्च तक का पूरा हो गया है क्योंकि वो पहले कोविड काल में कोई आपको परेशान ना करे इसलिए 100 करोड़ की राशि अलग से डाली थी। इस बार कोई अलग से राशि नहीं है एसएफसी से भुगतान होना है और 10 तारीख से पहले होना है। 10 तारीख से पहले जय संघ।